जाफराबाद में एशियाई खुर्दनी की मार्केटें न होने की वजह से रेडी बांध सिंध बलोचिस्तान की कौमी शाहरा पर कारोबार करने पर मजबूर हैं। जाफराबाद के गुंजानाबाद इलाकों में सब्जी फरूट गोश्त और दीगर मार्केटें न होने की वजह से रेडी बानों ने सिंध बलोचिस्तान की कौमी शाहरा समेत अहम शाहराओं पर तजावजात और थड़े बनाकर कारोबारी मरकज कायम कर रखे हैं और इन इलाकों में इमारतें तो तामीर की गयी मगर 60 साल गुजरने के बावजूद अवामी जरूरियात से कतई नजर इंतजामिया कोई मार्केट तामीर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से लोगों ने मरकजी शाहराओं पर अपने तजारती मराकज कायम कर रखे हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक में खलल पड़ने के साथ साथ अमन अमान के मखसूस हालात में सिक्योरिटी के लिए तहफात और अवाम पैदा कर दिए हैं। करोड़ों रुपए रेवेन्यू फराम करने वाला जरई जिला जाफराबाद में मुतलका मार्केटें न होने की वजह से अवाम को सेहत सफाई और सिक्योरिटी के तहफात की सूरत में खमियाजा भुगतने के साथ साथ करोड़ों रुपए के मनसूबे भी तबाह हो रहे हैं। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ जाहिद अंजुम बलोच, दुनिया न्यूज जाफराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूं बलोचिस्तान के सबसे बड़े संती शहर हब में, जहां मानसून की बारिशों ने हुकूमती इदारों की कारकर्दगी की किले खोल के रख दी है। मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही हब शहर के नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। शहर के वस्त से गुजरने वाले नाले में तुगयानी की वजह से पाठरा, अक्रम कॉलोनी, रऊफ कॉलोनी और बेरोड के इलाकों में पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों का सामान, फर्नीचर और दीगर घरेलू अशिया बर्बाद होकर रह गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत अपने अहलकानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। यही नहीं बल्कि महकमा इरीगेशन के लसबेला कैनाल में 40 फीट चौड़ा शिकाब पड़ने की वजह से अब के सन्नती एरिया में तबाही मच गई। लसबेला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर, रेस्ट हाउस, एमडी हाउस और कोस्ट गार्ड के दफातर में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। फैक्ट्री एरिया के ब्लॉक बी और सी की कई फैक्ट्रियों में पानी भरने से करोड़ों रुपए की मशीन तबाह होने के अलावा कई फैक्ट्रियों की दीवारें भी गिर गयी। लेकिन बारिशों को एक हफ्ता गुजरने के बाद भी मुतलका इदारे निकासी आब का कोई बंदोबस्त करने में बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं, जबकि लसबेला कैनाल का शिकाब पूर करने में 10 से 15 रोज का असर दरकार है, जिसकी वजह से शहरी पीने के साफ पानी से भी महरूम है। अब जैसे बड़े सनती शहर में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के किसी भी तरह के इंतजाम सिरे से मौजूद ही नहीं है, जिसके बाद शहरी बादल देखकर खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन हुकूमती इदारों की नाकस कारकर्दगी ने इसे हब के शहरियों के लिए जहमत बना दिया है। जिशान कम्बो, दुनिया न्यूज, हब लसबेला। अदीनुमा क्वेटा शहर में पार्किंग की मुनासिब सहूलियत ना होने और रोज बरोज गाड़ियों में इजाफे के बायस ट्रैफिक मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शहर की तमाम मारूफ शाहराओं पर वाकिया मार्केटों, शॉपिंग सेंटरों और प्लाजों में पार्किंग की सहूलियत ना होने की वजह से लोग अपनी गाड़ियां सड़कों और गलियों में पार्क कर देते हैं, जिसके बायस बसा औकात ट्रैफिक जाम रहती है। सूबाई दारुल हुकूमत होने की वजह से करीबी अजला से सैकड़ों इजाफी गाड़ियां रोजाना क्वेटा शहर आती हैं, जो ट्रैफिक मसाइल में मजीद इजाफे का मौजिब बनती है। ट्रैफिक की बहाव की खलल की एक बुनियादी वजह शहर के वस्त में बनाई गई कई मंजिला इमारतों और अस्पतालों में पार्किंग की अदम मौजूदगी भी है। अक्सर अस्पतालों में पार्किंग के लिए बनाई जाने वाली मखसूस जगहों को गाड़ियां खड़ी करने के बजाय सिर्फ कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाज के गर्ज से आने वाले अफराद को मजबूरन गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करनी पड़ती हैं। बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों की तादाद में इजाफा मुस्तकबिल करीब में क्वेटा शहर के ट्रैफिक की सूरत हाल को मजीद संगीन बना सकता है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ मोहम्मद जहांगीर, दुनिया न्यूज, क्वेटा। इस वक्त मैं सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा शहर में नादरा ऑफिस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड बनवाने में खवातीन को मुश्किलात का सामना है। बलोचिस्तान में जहाँ खवातीन की रजिस्ट्रेशन की शराह दीगर सूबों के निस्बत इंतहाई कम है, वहीं नादरा की जानिब से हफ्ते में सिर्फ एक दिन इनके लिए मखसूस करना काफी नहीं। दूसरी जानिब सूबे के दूर दराज इलाकों में 75% खवातीन की रजिस्ट्रेशन को अब तक मुमकिन नहीं बनाया गया और न ही इन इलाकों में मोबाइल वैन के जरिए कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड बनवाने का बंदोबस्त किया जा सका है। बलोचिस्तान के कबायली निज़ाम में जहाँ शनाख्ती कार्ड के लिए खवातीन की तस्वीर का रुझान कम है, वहीं नादरा ने भी मुख्तलिफ इजला में खवातीन के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से सूबे की बेशतर खवातीन के पास कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं और उन्हें कार्ड बनवाने में मुश्किलात का सामना है। शनाख्ती कार्ड बनवाना हर पाकिस्तानी का हक है, जिनमें बलोचिस्तान की खवातीन की एक बड़ी तादाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैमरामैन इरशाद रब्बानी के साथ सीमा कव्वल, दुनिया न्यूज, क्वेटा। बलूचिस्तान की दुनिया के बाद अब हम बात करते हैं पंजाब की दुनिया की, जहां पर आप देखेंगे तशहरी बैनर से सियालकोट शहर की खूबसूरती मुतासर। अहमदपुर सियाल में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती और लाहौर के चिड़ियाघर में बारिश के बाद लुत्फानंदोज होने वाले परिंदों और जानवरों के हवाले से कुछ रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर चिड़ियाघर में, जहां मानसून की बारिशों से होने वाली मौसम की तब्दीली ने खुशगवार असरात मुरतब किए हैं। बारिश से चिड़ियाघर की फजा महक उठी है और दरख्त निखर गए हैं, जिससे शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया है।
हाथी, चीते और शेरों के पिंजरों के पास बच्चों और बड़ों का रश काबले दीद है, जबकि परिंदों के चहकने से चिड़ियाघर की रौनक दोबाला हो गई है। बारिश से फितरत का रंग निखर कर सामने आ जाता है। आजाद फजाओं में परवाज करने वाले परिंदों के साथ साथ पिंजरों में बंद परिंदे भी इस मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं। गर्मी और हब्स के मौसम में जैसे ही बारिश होती है, लोग तफरी के लिए घरों से निकल पड़ते हैं। सैर का नाम आते ही बच्चों की जिद यही होती है कि वो चिड़ियाघर जाएंगे। चिड़ियाघर में हाथी की सवारी बंद होने के बाद बच्चे अब ऊंट की सवारी भी शौक से करते हैं। इन दिनों चिड़ियाघर में हाल ही में पैदा होने वाले शेर के दो बच्चे तवज्जा का मरकज हैं, जबकि मोर और मुख्तलिफ नस्ल के तोतों के पिंजरों पर भी रश रहता है। चिड़ियाघर इंतजामिया ने हब्स और गर्मी के बाइस सर्द माहौल में रहने वाले जानवरों और परिंदों के लिए एयर कूलर और बर्फ का इंतजाम भी किया हुआ है। चिड़ियाघर सैर के लिए आने वाले अफराद का कहना है कि बारिश के बाद पार्कों की बजाय चिड़ियाघर की तफरी ही बेहतर है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ यहाँ बड़ों को भी आकर बोरियत महसूस नहीं होती। बाशों ने न सिर्फ चिड़ियाघर के वासियों की खुशियों को दोबाला कर दिया है, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। कैमरामैन राणा इशफाक के साथ आमिर शहजाद, दुनिया न्यूज़, लाहौर।